बसमिल दो तीन मुख्तर सी बातें हैं एक तो मस्जिदों ही के हवाले से एक सवाल मौजूद था कुछ लोगों के ज़रिए से दो तीन अहादीस हैं जिसमें आप असलाम ने आ, इस बात का ज़िक्र किया कि तुम लोग अपनी मस्जिदों को उसी तरह आ, मजन करना शुरू कर दोगे जिस तरह यहूद व नसारा अपनी इबादत गाहें मजन किया करते हैं तो इससे बाज़ अफराज जो हैं वो इस ग़लतफ़हमी में मुबला हो जाते हैं कि मस्जिदों के अंदर बेशकीमत सामान रखना या मस्जिदों को ख़ूबसूरत बनाना इसकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ़ से तायद नहीं मिलती या कम अज़ कम इसकी मजम्मत में एक एक आध रिवायत ज़रूर मिलती है लेकिन फखा ने उन तमाम चीज़ों को जिसमें कुरानी आयात फिर रसूल सल्म का अमल फिर आपके फ़रामीन सब का मताल के बाद जो इसका निचोड़ निकाला है वो नचोड़ तो यही है जो आज हमने पढ़ा कि खुजू ज़ीन तकुम उम आंद मस्जिदिन कि जब भी तुम नमाज अदा करने का इरादा करो या मस्जिद में जाओ तो अपनी ज़ीनत को अख्तियार करो तो जब बंदों को ज़ीनत इख्तियारने का हुक्म दिया जा रहा है तो जिन घरों में ये इबादत की जाए उसको भी जीनत दी जा सकती है लेकिन उसमें इसराफ से गुरेज किया जाए दूसरी बात फका ने यह कही कि जिस तरह का माहौल और जिस तरह का इलाका हो उस इलाके की मुनासबत से ही मस्जिदों के बारे में ग़ौर करना चाहिए मसला अगर कोई मस्जिद आप किसी ऐसे देहाती इलाक़े में या किसी ऐसे इलाक़े में बना रहे हैं जहाँ नस्बता ग़रीब लोग रहते हैं और वहाँ एक अलीशान मस्जिद और उसमें बेानतहा इसराफ कर दिया जाए और लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने का ख्याल न किया जाए तो यकीनन ये चीज़ पसंदीदा नहीं होगी और ना ही अल्लाह और उसके रसूल इस बात को पसंद करेंगे लेकिन अगर जो जिसे आप लिविंग स्टैंडर्ड कहते हैं किसी इलाक़े का ये है कि लोग अपने घरों को अपनी दुकानों को अपनी इमारतों को और अपने जो भी उनके मकाम हैं उनको बेहतरीन से बेहतरीन मटीरियल लगा के उसे बना रहे हैं और अपना जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन है तो जिस इलाक़े में इस तरह की मस्जिद बनाई जाए तो उस मस्जिद को भी उसी की मुनासबत से तमीर किया जाए बदकिसमती से हमारे यहाँ इसमें एक गफलत कई दफ़ा मुझे मासूस हुई कई मौक़ों पर दिखाई दी आप किसी वजारत में चले जाएँ किसी बड़े इदारे में चले जाएँ किसी बड़े कारखाना में चले जाएँ तो आप उन बड़े इदारों में तमाम दफ्तर फुल्ली कंडीशन दफ्तर में लेंगे बेहतरीन पर्दे बेहतरीन कालीन बेहतरीन साजो सामान और जब आप पूछें कि जनाब नमाज के लिए कोई जगह है तो किसी कोने में एक मैली सी दरी और जाए नमाज ख़राब सी जिस पर आदमी सर नहीं रख सकता या खड़ा होना भी पसंद नहीं करता वो एक कोने में बिल्कुल ऐसे कि जैसे एक गैर ज़रूरी चीज़ के लिए वो कोना मखसूस कर दिया गया है नमाज के लिए ये बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ में मैंने देखा इदारों में देखा मस और मुख्तल कारखानों में देखा तो ये बात भी मुनासिब नहीं है कि पूरा एक जो एक पूरी एक बिल्डिंग जो है वो तो हर किस्म के साजो सामान से मुजन है लेकिन जमाज के लिए जो आपने जगह मखसूस की है वो जगह ऐसी है कि जिसमें कोई भी शख़्स अपने अच्छे लिबास के साथ सही तौर तो पर नमाज अदा नहीं कर सकता तो ये भी यकीन एक नामुनासिब रवैया है हमें अगर रसूल सल्हलम का हाल देखना पड़े और मस्जिद नबी का हाल देखना पड़े तो असाब रसूल ने सबसे पहले मस्जिद नबी को तामीर किया और उसे अच्छा बनाया और जो मस्जिद का जो स्टैंडर्ड था वो उनके घरों से ज़्यादा बेहतर था उनके अपने मकामी जो घर थे उसके मुकाबले में मस्जिद का स्टैंडर्ड जो था वो ज़्यादा बेहतर था तो इस नस्बत से ज़रूर गौर करना चाहिए अगर किसी शख्स का कोई इदारा है किस कहीं वो काम कर रहा है तो वहाँ नमाज के लिए भी बहुत अच्छा एक मरकज़ होना चाहिए और उसके लिए ऐसा ही एहतमाम हो होए कि जिसको आदमी पसंद करे कि हाँ ये वाली जगह जो मस्जिद के लिए और नमाज के लिए मखसूस की गई है कुछ अर्सा पहले मुझे एक दफ़ा वजारत तालीम में जाने के इतफ़ाक़ हुआ सलेबस वग़ैरह बनाने के तो आई आई नाइन वगैरह की तरफ तो जब हमने नमाज़ के लिए मस्जिद का रुख किया तो वाकई इंतहाई कोफ़्त हुई कि वज़ू का जो मकाम है जहाँ वज़ू करने वाली जगह है इतहाई गंदगी और उसमें ख़राबी और मस्जिद में टूटी हुई सफ़ें और ख़राब मैली कुचैली किस्म की टोपियाँ तो अजीब वरीब किस्म का मंजर था कि जैसे हमने अल्लाह को और अल्लाह ताला के कामों को बिल्कुल नज़रअंदाज़ कर दिया है तो जहाँ अल्लाह के रसूल सल्हुहम ने मस्जिदों को मजन करने से मना किया है तो उसका मतलब ये था कि आप ऐसा ना करें कि मस्जिद में वो सारा पैसा सरमाया लगा दें और मस्जिद के आसपास का इलाक़ा जो है बस्ती के रहने वाले लोग वो तंग दस्ती में किसी को रोटी नहीं मिल रही किसी के पास बिस्तर नहीं है किसी का लिबास नहीं है तो उनका भी ख्याल रखना है और उनका ख़्याल रखते वक्त कम अज़ कम साफ़ सुथरी मस्जिद के जिसमें आदमी नमाज़ पढ़ने के लिए जाए तो उसका दिल चाहे कि हाँ यहाँ मैं कुछ वक्त बैठ कर अल्लाह को याद करूँ तो ऐसा ज़रूर अहतमाम होना चाहिए इसमें और उस हदीस में कोई कंट्रडिक्शन नहीं है जिसकी वजह से इंसानों को परेशान नहीं होना चाहिए दूसरा एक सवाल एक साहब ने वो भी इसी के हवाले से किया गया कि मस्जिदों में जो लोग काम करते हैं जो लोग काम करते हैं तो क्या उनकी तनख्वाह वगैरह जो है ये इस्लाम में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ख़ासतौर पर आईमय मसाजिद के हवाले से ये अक्सर सवाल लोगों के जहन में आता रहता है ये बात ठीक है कि मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए जो शख्स मौजूद है कोई भी शख्स आगे बढ़कर नमाज पढ़ा सकता है इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है और इसमें कोई ऐसा मसला भी नहीं है लेकिन किसी मस्जिद के सिस्टम को बाहर रखने के लिए उसके अंदर एक नज़्म पैदा करने के लिए बाकायदा कुछ अफराद मत किए जाते हैं जैसे यहाँ मज़िम के लिए एक साहब को मतिन किया गया पाँच वक्त की नमाज़ पढ़ाने के लिए एक साहब को मुतिन किया गया अब ये दोनों अफराज हैं और ख़ादम के लिए भी कुछ अफराद अफरा मत... ये अफराद अपना वक्त इस मस्जिद को मुस्तकिल तौर पर दे रहे हैं तो अब ये जो मस्जिद की खिदमत अपने वक्त के तौर पर दे रहे हैं तो ये उस नमाज़ का का हदिया नहीं है कि उसने बंदे ने नमाज़ पढ़ाई तो ये नमाज का किराया नमाज का हदिया इसको दिया गया है ये इसने अजान दी है तो ये अजान की हमने आ उसको उसका बदला ये दे दिया ये नमाज़ का बदला नहीं है और ना ही ये अजान का बदला है बल्कि ये सिर्फ उसके उस वक्त का बदला है जिसकी वजह से वह अपने आप को पाबंद करता है अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने वालदे से जो सीखा उसकी बुनियाद पर ख़ुत जुमह के हवाले से हमारे वाले साहब हमारे दादा जो थे कभी उन्होंने किसी मस्जिद से कुछ लिया नहीं और ना ही इसको अपने लिए पसंद किया और अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने यह तोफ़ीक़ दे रखी है मैं भी आप ही के लोगों में से आप ही लोगों में से एक फ़र्द हूँ बस यह है कि कुछ अहबाब ने मुझे कह दिया है कि अल्लाह और उसके रसूल की बातें पढ़ के आ जाया करे और सुना दिया करे तो मैं वो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए ये ख़िदत सर अंजाम देता हूँ लेकिन इस मस्जिद में जो पाँच वक्त का नमाजी पढ़ा नमाज़ पढ़ाने के लिए इमाम साहब को मतिन किया गया है जो खादिम हैं उनको बाकायदा उनकी खिदमत की जाती है उस वक्त के एवज़ में और उस पंक्चुअलिटी के एवज़ में कि जो इस मस्जिद के हवाले से वो अदा करते हैं और बाकी जो लोग इस मस्जिद की खिदमत करना चाहें यकी उसे उन्हें इसमें शरीक होना चाहिए मैं इस हवाले से एक आपसे अल्तमास करना चाहता हूँ और हमारी मस्जिद के जो खादिम हैं वो एक परफ़ॉर्मा मार्किट में देंगे तो एक मज़्स तरीक़ा क्योंकि ये बात मुझे जब भी मस्जिद कमेटी ने कही कि आप मस्जिद के लिए ऐलान करें तो मुझे अपने दिल में एक कौफ सी महसूस होती है हाथ फैलाना जो है वो तबीयत कभी आमादा नहीं हुई मेरी लेकिन जब मैंने रसूल सल्हसम की सीरत को पढ़ा तो अल्लाह के रसूल की शान और हम तो खाके पा भी नहीं हैं उनके किसी भी एतबार से तो अल्लाह के रसूल ने जब कभी अपील की है तो उस पर सिर्फ अमल करने के लिए मैं आपसे एक अहतराम और उस डिग्न के साथ ये दरख्वास करता हूँ कि आप लोगों में से जो मुस्तकिल बुनियादों पर आ, इस मस्जिद में शरीक होना चाहें इसकी खिदमत के हवाले से तो वो ख़ादिम मस्जिद जो है वो परफ़ारमा दे देंगे आप उसमें अपना एड्रेस लिख दीजिए तो ये फिर बंदा बजाते ख़ुद उस घर में जाए या उस दुकान पर जाए और माहाना बुनियादों पर उनसे ये वो चीज़ वसूल कर ले ताकि वो वाला एक अमल जो है ना कि मस्जिद बन रही है पैसा दे दो चंदा दे दो ये अमल जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगता मस्जिद के एहतराम के मुनाफ़ी लगता है कि आप मुसलसल छोटे छोटे चीज़ों के लिए आ, लोगों के सामने अपील करें तो एक मोहतरम जो तरीक़ा उसको अगर हम इख्तियार करें जैसे हम अपने घरों के लिए लोगों से बहुत सारे काम निकलवाते हैं घर में कोई काम फंस जाए तो दोस्तों से अहबाब से दरख्वास करते हैं तो ये अल्लाह के लिए एक दरख्वात है आपसे अल्लाह तब को इसमें शिरकत करने की तोफ़ी अतः फ़रमाए और इन शप को पहले भी इसमें शामिल रखता हूँ और आइंदा भी जब भी कभी मौका तोफ़ी मिलती रही तो एक मस्तकिल तौर पर इसमें मैं शरीक रहूँगा अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए